बाय पोल 2022। आसनसोल लोकसभा और चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का ऐलान, 12 अप्रैल को होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल में आसनसोल संसदीय सीट बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को कहा कि लोकसभा की एक सीट और चार राज्यों की चार विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के साथ उपचुनाव भी निर्वाचन मंडल के रिक्त पदों को भरेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार मतगणना 16 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, बिहार के बोचहां और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर में भी उपचुनाव होंगे। पांचों उपचुनाव की अधिसूचना 17 मार्च को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के उपचुनावों की घोषणा ऐसे समय में की है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जहां इस चुनाव में बंपर जीत हासिल की, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी बड़ी जीत मिली है। गोवा में बीजेपी बहुमत से महज एक सीट पीछे है, वहीं मणिपुर में भी बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बंगाल उपचुनाव, आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा होंगे टीएमसी के उम्मीदवार। बाबुल को मिला विधानसभा का टिकट। जी हां, बालीगंज विधानसभा से बाबुल सुप्रियो को मौका दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यानी रविवार को उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे, जबकि बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार होंगे। बता दें कि बंगाल की लोकसभा सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद से खाली हो गई थी, जिसके कारण यहां उपचुनाव करवाना पड़ रहा है। इसके अलावा टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब यहां भी उपचुनाव कराए जाएंगे। 12 अप्रैल को होना है चुनाव। बता दें कि बंगाल में एक लोकसभा और चार विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इन दो दिग्गजों के चुनाव में उतरने से सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि इन सीटों पर भाजपा को सफलता मिलती है या टीएमसी को। हाल के चुनाव में टीएमसी के प्रदर्शन को देखने के बाद लग रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस बार बाजी मार सकते हैं। वहीं बाबुल सुप्रियो को भी सेफ सीट दी गई है। यहां टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जताई खुशी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक बुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मार माटी मानुष। इलेक्शन विंग से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।